वेलकम स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर आशुतोष उपाध्याय। एक बात है, भारतीय भूगोल की श्रृंखला के अंतर्गत एमपीपीएससी एवं वन डे एग्जाम के अकॉर्डिंग एक भारतीय भूगोल का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपके सामने लेकर आया हूं। आशा करता हूं आपको समझ में आएगा। देखिएगा, एक इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत भारत के भूआकृतिक प्रदेशों के अंतर्गत एक तटीय मैदान के अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण मैदान है, जिसे हम उत्तर के विशाल मैदान के नाम से जानते हैं। इसके अलावा इसे हम सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के मैदान के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है, उत्तर का विशाल मैदान, नाम से ही विदित हो रहा है कि उत्तर भारत एवं प्रायद्वीपीय भारत के मध्य में एक विशाल समतल मैदान फैला हुआ है। यह मैदान उत्तर के विशाल मैदान के नाम से जाना जाता है और इसे हम सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के मैदान के नाम से भी जानते हैं। अर्थात सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों के द्वारा जिस मैदान का निर्माण किया गया है, उसे हम सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र मैदान के नाम से जानते हैं। आप देखिएगा, सबसे पहला प्रश्न तो यह उठता है कि इस मैदान का निर्माण कैसे हुआ। इसके उत्तर में हिमालय का पर्वतीय प्रदेश है और दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र है। इसके बीच में यह मैदान फैला हुआ है, इस मैदान का निर्माण कैसे हुआ, तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले मैंने आपको उससे पहले वीडियो में भी बताया था, और जो भी न्यू सब्सक्राइबर है वो इस बात को ध्यान रखें कि इस वीडियो को समझने से पहले आप, मैंने जो सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र एवं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में विस्तार से चर्चा की थी, अध्ययन किया था हम लोगों ने, तो उसको आप पहले उस वीडियो को देख लें, उसके पश्चात यह वीडियो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो देखिएगा, जब हिमालय का हमने उत्पत्ति देखी थी तो हमने आपको बताया था कि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट एवं यूरेशियन प्लेट जब एक दूसरे के निकट आ रही थी तो 33 सागर के जो अवसाद थे, ये अवसाद ऊपर उठने लगे और हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। तो इसी प्रक्रिया के दौरान कुछ भाग जो है गर्त वाला भाग निर्मित हुआ था, और यही गर्त वाले भाग में जब नदियों के द्वारा अवसादों को लाकर, सेडिमेंट को लाकर, कंकड़, बालू, पत्थर को लाकर जब लगातार इसमें डाला गया तो एक मैदान हो गया। एक गर्त वाला भाग एक मैदान में कन्वर्ट हो गया या मैदान में परिवर्तित हो गया। इसे ही हम उत्तर के विशाल मैदान के नाम से जानते हैं। अब चूंकि हमने अवसादों की बात की है तो ये ध्यान रखिएगा, सिंधु नदी का यदि आपने तंत्र देखा है, गंगा नदी का तंत्र का देखा है और ब्रह्मपुत्र नदी का तंत्र देखा है, तो आपको पता है कि नदियों के द्वारा अपने साथ में अवसाद यानी चट्टान, बड़ी बड़ी चट्टानें, कंकड़, पत्थर, बालू ये लेकर लाई जाती हैं, और लाने के बाद में इनको एक स्थान पर एकत्र कर दिया जाता है। जहां इनका प्रवाह ज्यादा होता है वहां ये अवसादों को बहा कर ले जाती हैं, और जहां इनका प्रवाह मंद पड़ता है वहां या नदियां सीधी हो जाती हैं वहां इन क्षेत्रों में ये अवसादों को छोड़ देती हैं और अंत में समुद्र में जाकर विलीन हो जाती हैं। तो उत्तर के विशाल मैदान की हम बात करेंगे, पूरे भारत का सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी वाला या उपजाऊ भूमि इसको बोला जाएगा वो यही क्षेत्र है। लंबाई की यदि हम बात करते हैं तो यह पंजाब से लेके आसाम तक लगभग 7 लाख किलोमीटर में फैला, 7 लाख वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। यदि हम टोटल लेंथ की बात, लंबाई में क्षेत्रफल की बात करेंगे तो 7 लाख वर्ग किलोमीटर है, और लंबाई की बात करेंगे तो लगभग 3200 किलोमीटर में इसका विस्तार है। अब देखिएगा, यदि हम इसकी बात करेंगे तो पंजाब से लेकर अर्थात सिंधु नदी से लेकर तीस्ता नदी तक का पूरा क्षेत्र जो है, और पंजाब से लेकर आसाम तक का पूरा क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में इस मैदान, इस जो उत्तर का विशाल मैदान है इसका विस्तार है। अब इसके अध्ययन करने के पहले इसको हम 5 भागों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला है हमारा भावर क्षेत्र, दूसरा है तराई क्षेत्र, तीसरा है बांगर क्षेत्र, चौथा है खादर क्षेत्र और पांचवा है डेल्टाई क्षेत्र। इससे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि इन क्षेत्रों के अंतर्गत कौन सी जो है क्षेत्र की भूमि है वो उपजाऊ होती है, कौन सी अनुपजाऊ होती है, कौन सा जो क्षेत्र है वो दलदली क्षेत्र होता है, कौन सा क्षेत्र है जहां चट्टानें पाई जाती हैं। तो इसको एक सरल भाषा में हम समझ सकते हैं, जब हमने हिमालय के बारे में वर्णन किया था या हिमालय के बारे में अध्ययन किया था तो हमने आपको बताया था कि हमारे भारत में सबसे पहले बृहद हिमालय या महान हिमालय मुख्य रूप से जो विस्तृत है, उसके पश्चात लघु हिमालय, लघु के पश्चात शिवालिक हिमालय है। शिवालिक हिमालय का जो निचला दक्षिणी क्षेत्र है यही क्षेत्र उत्तर के विशाल मैदान के नाम से जाना जाता है। आप देखते हैं तो जब आप बुक्स में पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कि शिवालय के गिरिपद क्षेत्र में, देखिए शिवालय के गिरिपद क्षेत्र की बात करते हैं, यहां मैंने डायग्राम बनाया है, देखिए ये महान हिमालय है, उसके पश्चात लघु हिमालय है, उसके पश्चात शिवालिक हिमालय है। अब आपको मैंने जब नदियां बताई थी तो मैंने आपको नदियों के में हिमालयन नदियां और प्रायद्वीपीय नदियों में अंतर बताया था।
हिमालय से जो नदियां प्रवाहित होती हैं, जो ग्लेशियर से पिघलने से जिन नदियों का निर्माण होता है, तो आपको पता है ये नदियां ऊंचाई से लेकर नीचे की ओर आती हैं। अब जब ऊंचाई से लेकर नीचे की ओर आएंगी तो इनका प्रवाह काफी तेज होगा। और नदियां मैंने आपको बताया है कि अपने साथ में अवसाद, कंकड़, पत्थर, चट्टानों को बहाकर लेकर आती हैं। तो जब इनका प्रवाह ऊपर से लेकर नीचे की ओर होता है तो काफी फास्ट होती है, तेज प्रवाहित होती है, तीव्र प्रवाहित होती है, तो बड़ी बड़ी चट्टानों को अपने साथ लाती है, तो हल्के से फोर्स में चट्टाने क्या होती है, नीचे की ओर आती है। तो यही जब से बोल सकते हैं कि शिवालिक पर्वतमाला जो है, इस शिवालिक पर्वतमाला का ये जो नीचे वाला क्षेत्र है, इसको हम गिरिपाद क्षेत्र कहते हैं। देखिए नाम से ही विदित हो रहा है, गिरि यानी पर्वत और पाद या पद यानी चरण, अर्थात इस पर्वत के चरण अर्थात निचले क्षेत्र में। देखिए अभी नदियों का प्रवाह जो है ये काफी तेज तीव्र है, क्योंकि यह ऊपर से लेकर नीचे की ओर आ रही है, अपने साथ में चट्टानों को बहाकर ला रही है। जब शिवालिक के गिरिपद क्षेत्रों में यह नदी अवसादों को लेकर आती है, अब यहाँ पर शिवालिक के गिरिपद क्षेत्र में अब यहाँ से नदी सीधी हो जाती है। तो जब सीधी हो जाती है तो बड़ी बड़ी चट्टानों में इतनी क्षमता नहीं होती कि चट्टानों को आगे बहाकर ले जाए। तो ये शिवालिक के गिरिपद क्षेत्रों में ये अवसाद जो होते हैं, जो बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं, इन चट्टानों को ले जाकर एकत्र कर देती हैं। अब इन क्षेत्रों में क्या होगा, जब चट्टानें एकत्र हो गई हैं तो नदी चट्टानों के ऊपर से प्रवाहित नहीं हो सकती, क्योंकि चट्टानें काफी बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं। इन क्षेत्रों में जो नदी है ये विलुप्त हो जाती है और बड़ी बड़ी चट्टानों के नीचे से प्रवाहित होती है। ये क्षेत्र जो है ये इसमें बड़ी बड़ी चट्टानें जो इकट्ठी होती हैं और नदी नीचे से प्रवाहित होती है, इसे हम भावर क्षेत्र के नाम से जानते हैं। देखिए बड़ा कंफ्यूजन होता है याद करने में, तो ध्यान रखिएगा, भा से भावर और भा से भारी चट्टान, अर्थात भारी चट्टानें यहाँ इकट्ठा होती हैं। अर्थात हम बोल सकते हैं, यदि इसकी डेफिनेशन लिखना होगा, शिवालिक के गिरिपद क्षेत्र में नदियों के द्वारा जिन बड़ी बड़ी चट्टानों का एकत्रीकरण किया जाता है, ऐसे क्षेत्र को हम भावर क्षेत्र या भावर प्रदेश के नाम से जानते हैं। यहां तक क्लियर हुआ? उसके पश्चात अब मैंने बताया कि यहां नदी विलुप्त हो जाती है, चट्टानों के नीचे से प्रवाहित होती है। इसके पश्चात नदी जो है ये आगे आती है, तो आपको पता है जब बड़ी बड़ी चट्टानें जो है ये नीचे आती है, लुढ़क कर आती है, तो पहले तो ये चौकोर होती है। आपने देखा होगा गंगा में जो भी पत्थर मिलते हैं, जिनको आप शालिग्राम के नाम से जानते हैं, वो सारे पत्थर गोल होते हैं। गोल क्यों होते हैं कि यहां से बड़ी बड़ी चट्टानें जब लुढ़क कर आती हैं, तो इनके चारों फलक जो होते हैं वो टूट चुके होते हैं। तो वो चट्टानें क्या है, जब गंगा नदी में पहुंचती हैं, छोटे रूप में हो जाती हैं, तो शालिग्राम का रूप लेती हैं। तो अब ये चट्टानें जब उतनी ऊपर से नीचे की ओर आएंगी, गिरेंगी, तो इनमें कुछ बारीक बारीक मिट्टी या कंकड़ भी हो जाएंगी, कुछ तो बड़ी चट्टानें होंगी, लेकिन इनकी छोटी चट्टान या मिट्टी का रूप या छोटे छोटे बारीक कंकड़ का रूप जो है वो यहाँ नीचे जमा हो जाता है। और यहाँ नदियां चूंकि विलुप्त हो गई है, तो नदियां अब क्या होगा, अपने साथ जब नीचे से प्रवाहित होंगी तो जो मिट्टी का बारीक कण है या बारीक मिट्टी जो है उसको अपने साथ बाहर कर लाएंगी। और जब ये नदी आगे प्रवाहित होती है, यहाँ नीचे से बाहर निकल कर आती है, तराई क्षेत्र बोला जाता है, तराई क्षेत्रों में ये विलुप्त नदियां बाहर की ओर निकलती हैं, तो अपने साथ बहुत सारे मिट्टी के कण भी बहाकर लेकर आती हैं। और ये क्षेत्र में पानी की जो मात्रा है वो कम होती है, मतलब ये जो मिट्टी वाला क्षेत्र भी आ रहा है और ये नदियां यहाँ पर क्या होती हैं, तराई क्षेत्रों में नदियां पुनः उद्गमित हो जाती हैं, पुनः आ जाती हैं। तो इन क्षेत्रों में मिट्टी में जब वो पानी मिलता है तो क्या एक कीचड़ का रूप ले लेता है, एक दलदल का रूप ले लेता है। कुछ यदि बात करेंगे कि ये नदियों के जो धार ऊपर भी चट्टानों पर पड़ती है, तो आपने देखा होगा जब झरने चट्टानों पर गिरते हैं तो काफी दूर तक पानी को फेंकते हैं, इस चट्टानों में भी जो पानी पड़ेगा तो दूर तक जाएगा। तो इस क्षेत्र में मिट्टी है, तो ये जो क्षेत्र है ये क्षेत्र दलदल में कन्वर्ट हो जाता है। तो इन क्षेत्रों में क्या होता है, पानी की मात्रा तो रहती है, मिट्टी की भी मात्रा होती है, तो ये दलदली क्षेत्र होता है। इस क्षेत्र को हम तराई क्षेत्र के नाम से जानते हैं। ये क्षेत्र जो है हमारा उत्तर प्रदेश बिहार का जो उत्तरी क्षेत्र है, या आपने देखा होगा, आपने सुना होगा कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नामक स्थान पर नेपाल की तराई में हुआ था। तो नेपाल का जो तराई वाला क्षेत्र है वो यही क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश के उत्तर वाला जो क्षेत्र है आपका, ये तराई क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। इसके आगे हम फिर से डिस्कस करेंगे जब रिवीजन करेंगे कि ये कौन कौन से क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में कौन सी मिट्टी क्या उपजाऊ होती है, अनुपजाऊ होती है, खेती के लिए उपयुक्त है कि नहीं। पहले एक बार हम पूरे सारे प्रदेश क्षेत्रों को देख लें, फिर हम पुनः इसको रिवाइज करेंगे। तो सबसे पहले भावर क्षेत्र कैसा क्षेत्र था, जिसमें नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए बड़ी बड़ी चट्टानें थी, उन चट्टानों का एकत्रीकरण कर दिया गया था। चूंकि नदी अब सीधी हो गई है,
तीन उनके उसमें इतनी क्षमता नहीं है कि इन चट्टानों को आगे बढ़ाकर ले जा पाए। यहां पर तो चूंकि आप देख रहे हैं कि ऊपर से नीचे की ओर आई है तो प्रवाह काफी तीव्र है, प्रवाह तीव्र होने के कारण ये चट्टानों को लुढ़का कर ले आई, लेकिन यहाँ नदी सीधी होने के कारण इन क्षेत्रों में चट्टानों का जमाव इकट्ठा कर दिया। ऐसे क्षेत्र को हम भावर, भासे भावर, भासे भारी चट्टानों का एकत्रीकरण। उसके पश्चात यहाँ नदी विलुप्त होने के बाद पुनः प्रकट होती है, तो उसमें काफी मिट्टियां जो होती है कंकड़ होती है साथ में मिक्स होने के बाद में दलदल में कन्वर्ट हो जाती है। तो जो क्षेत्र दलदल तर से बन रहा है, तराई अर्थात पानी में मिट्टी तर हो गई है तब तराई क्षेत्र का निर्माण हुआ है, ये दलदली क्षेत्र होता है। उसके पश्चात आपने देखा होगा तराई क्षेत्र के बाद में नदियां फिर बाहर प्रकट होती हैं, तो आपने देखा होगा कि गर्मी के समय में या वर्ष में एक बार तो ऐसी कंडीशन बनती है कि नदियां जो होती है अपने घाटों में, वैसे तो नदियों का अपना स्थान होता है उसी क्षेत्रों में वह बहती है, परंतु जब गर्मी का समय आता है ग्लेशियर पिघलते हैं तो ग्लेशियर पिघलने के कारण नदियों में जल की मात्रा काफी हो जाती है। उत्तर भारत की नदियों की बात कर रहे हैं हम तो, और जल की मात्रा जब ज्यादा होगी तो आपको पता है कि कोई भी नदी हो उसका जो लेवल जिस रास्ते में बहती है उस रास्ते से वो ऊपर उठती है, ऊपर उठती है तो नदियों के किनारे क्षेत्रों में भी प्रवाहित होती है, और जब नदी वापस उतरती है तो अपने साथ जो भी अवसाद या सेडिमेंट कंकड़ पत्थर मिट्टी होती है वह किनारों पर ही छोड़कर हो जाती है। तो केवल दो चीजें आप ध्यान रखिएगा तो कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा आपको, बांगर और खादर में आप बस अंतर इतना है कि जब कई वर्षों में एक बार विनाशकारी बाढ़ आती है तो जब ऐसी कंडीशन में क्या होती है नदियों का जो लेवल वो काफी ऊंचाई तक चला जाता है। आपने भी देखा होगा कि कई बार क्षेत्र ऐसा होता है कि इसमें बाढ़ आती है तो काफी दूर तक नदी जो गांव में भी प्रवेश कर जाती है या काफी उसकी ऊंचाई तक आ जाती है। ऐसी कंडीशन में क्या होती है जब वो नदी उतरती है तो ऐसी क्षेत्र में उस समय में क्या कर देती है, देखिएगा यहाँ डायग्राम में बताया गया है कि नदियां जब होती है और कई वर्षों में एक बार जब बाढ़ का पानी काफी ऊंचाई तक जाता है तो वह किनारों में जब नदियां वापस उतरती हैं तो अवसादों को जमा कर देती हैं, तो वो नदियां वापस उतरने के बाद ये अवसाद जब जम जाते हैं तो जो क्षेत्र का निर्माण होता है उसे हम बांगर क्षेत्र बोलते हैं। पंजाब एवं उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में यह क्षेत्र का निर्माण हुआ है। यह क्षेत्र उपजाऊ नहीं होता है क्योंकि इसमें कंकड़ पत्थर होता है काफी ऊपर तक, काफी कंकड़ की मात्रा ज्यादा होती है। तो ये तो बांगर, बाढ़ से बांगर, बाढ़ से बाहर, अर्थात नदियां काफी बाहर तक चली गई हैं और वहां पर अवसादों का जवाब कर दिया है। पहले हम खादर को भी समझते हैं फिर इनके बारे में डिटेल से समझेंगे। उसके पश्चात ये तो हमने बोला कई वर्षों में एक बार जब विनाशकारी बाढ़ आती है, अब प्रतिवर्ष ऐसी कंडीशन बनती है कि बरसात के समय में या गर्मी के समय में ग्लेशियर जब पिघलते हैं तो नदी अपने जो वास्तविक जिस दिशा में बह रही है या जिस रास्ते में बह रही है उससे उसका जल का स्तर ऊपर होता है। तो प्रतिवर्ष जब बाढ़ आती है या जल का स्तर ऊपर उठता है तो प्रतिवर्ष जब नदियों के किनारों पर घाटों पर जो नदी जो होती है वह जब उतरती है तो अवसाद को छोड़कर आती है, मिट्टी को छोड़कर आती है, तो प्रतिवर्ष जब छोड़कर आएगी तो जो मिट्टी वहां पर अवसादों को छोड़कर आएगी तो जिन क्षेत्रों का निर्माण होता है उसे हम खादर क्षेत्र कहते हैं, और कई वर्षों में एक बार जब अवसाद छोड़कर आएगी तो उसे हम बांगर कहते हैं। खास एक खादर और खास एक खाद, प्रतिवर्ष जब नदियों के द्वारा जब मिट्टी को लेकर आया जाता है तो प्रतिवर्ष वो मिट्टी परिवर्तित होती है, इसलिए हम इसको नवीन जलोढ़क मृदा कहते हैं। अब देखिए नवीन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि प्रतिवर्ष उस मिट्टियों के ऊपर में नई नई लेयर चढ़ती जा रही है, और जलोढ़क क्यों बोलते हैं क्योंकि नदियों के द्वारा जो मिट्टी बहाकर लाई जाती है उस मिट्टी को हम जलोढ़ मृदा कहते हैं, और यह मृदा काफी उपजाऊ होती है, खाद का काम करती है। आपने देखा होगा गर्मी के समय में नदियों के किनारे ही काफी जो फल हैं उनको लगाया जाता है, ककड़ी हो गई या और भी बहुत सारे पानी वाले जो फल होते हैं इनको लगाया, सब्जियों को लगाया जाता है, तो इनको ये जो लगते हैं वो नदियों के किनारे में ही लगते हैं। इन क्षेत्रों को हम खादर क्षेत्र के नाम से जानते हैं। आप देखिएगा एक बार हम फिर इसको रिवाइज कर लेते हैं। देखिए स्टार्टिंग से मैं आपको बता रहा हूं, कहीं भी यदि आपको कोई कंफ्यूजन में हो तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, सारे डाउट्स मैं क्लियर करूंगा। स्टार्टिंग से हम करते हैं, यहाँ जो डायग्राम बनाया वो डायग्राम यहाँ विस्तार से समझने के लिए हमने अलग से बनाया है। शिवालिक हिमालय के अंतर्गत शिवालिक के गिरी पद क्षेत्र, गिरी यानी पर्वत, पद यानी चरण यानी पैर यानी निचले क्षेत्रों में, शिवालिक के दक्षिणी या गिरी पद क्षेत्रों में नदियों के द्वारा जिन चट्टानों का या अवसादों का, बड़ी बड़ी चट्टानों का एकत्रीकरण किया जाता है उस क्षेत्र को हम भावर क्षेत्र कहते हैं। भासे भावर, भासे भारी चट्टान। क्या यह क्षेत्र उपजाऊ होगा? नहीं, क्योंकि यहां चट्टाने
चट्टाने होंगी, इस क्षेत्र में खेती नहीं की जा सकती है, यह क्षेत्र अनुपजाऊ होगा, उपजाऊ नहीं होगा, और यह क्षेत्र सिंधु नदी से तीस्ता नदी तक का क्षेत्र कहलाता है और लगभग 8 से 10 किलोमीटर में यह पट्टी बनी हुई है। यहां तक क्लियर है। अब हम आते हैं दूसरे क्षेत्रों में। अब जब इन क्षेत्रों में नदियां विलुप्त तो हो जाती है, उसके पश्चात फिर नदियां जिन क्षेत्रों में पुनः उद्गमित होती है, पुनः बाहर प्रवेश करती है या पुनः आती है, उन क्षेत्रों में अपने साथ बारीक मिट्टी को लेकर आती है और इन क्षेत्रों में जो मिट्टी होती है उसके साथ मिक्स होकर एक दलदल का निर्माण करती है। यह क्षेत्र तराई क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। इन क्षेत्रों में मिट्टी भी और पानी की मात्रा भी ज्यादा है। यह क्षेत्र उपजाऊ पहले तो नहीं होता रहा, परंतु अब धीरे धीरे इसको उपजाऊ बनाया जा रहा है। मशीनों के द्वारा उसका कुछ पानी जो है उसको निकाल कर अलग किया जाता है और अब इन क्षेत्रों में खेती की जाने लगी है। और प्रमुख रूप से बात करेंगे तो गन्ना हो गई, हमारा धान हो गई, और गन्ना धान प्रमुख रूप से जो है फसलें उनका उत्पादन इन क्षेत्रों में किया जाता है। यह क्षेत्र जो है अब उपजाऊ क्षेत्र में कन्वर्ट हो गया है, परंतु इन क्षेत्रों में चूंकि दलदल मिट्टी है इस कारण से इन क्षेत्रों में अधिक मात्रा में बीमारियां भी फैलती हैं। ये उत्तर प्रदेश का उत्तर वाला क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश एवं बिहार वाला, इन क्षेत्रों में अधिक मात्रा में मच्छर होते हैं और बहुत सारी बायोडायवर्सिटी भी पाई जाती है। जब वेटलैंड एरिया आप पढ़ेंगे तो देखेंगे इन क्षेत्रों में काफी जैव विविधता पाई जाती है, बहुत सारे घने पेड़ भी उगते हैं इन क्षेत्रों में, और वर्तमान में इन क्षेत्रों में कृषि भी की जा रही है। प्रमुख रूप से मैंने आपको बताया गन्ना हो गया, धान हो गया, इन चीजों की खेती इन क्षेत्रों में ज्यादा होती है। तराई क्षेत्र के बाद में जब कई वर्षों में नदियों के द्वारा जो जमाव अवसादों का जमाव, कंकड़ मिट्टी पत्थर का जमाव है, वो काफी ऊपर तक बाहर तक क्षेत्रों में कर दिया जाता है और नदी जब वापस नीचे उतरती है तो उन क्षेत्रों में वो अवसादों को छोड़ कर आ जाती है। इन क्षेत्रों को हम बांगर क्षेत्र कहते हैं। ये क्षेत्र अनुपजाऊ होते हैं क्योंकि इसमें कंकड़ पत्थर की मात्रा ज्यादा होती है। फिर बाद में खादर क्षेत्र, नदियों प्रतिवर्ष नदियों के द्वारा जो अवसादों के किनारों पर जमा कर दिया जाता है, तो यह क्षेत्र खादर क्षेत्र या नवीन जलोढ़ क्षेत्र है। देखिए एग्जाम में आपको क्वेश्चन कैसे आएंगे, एग्जाम में आपको क्वेश्चन आते हैं कि नवीन जलोढ़ मृदा किसे कहते हैं, पुरानी जलोढ़ मृदा किसे कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा नवीन जलोढ़ मृदा कौन सी है, खादर, खा से खादर, खा से खाद, और नवीन क्यों है, प्रतिवर्ष अवसाद जमा किए जा रहे हैं, प्रतिवर्ष मिट्टी एक के ऊपर एक जमाई जा रही है तो नवीन है, और पुरानी इसलिए क्योंकि कई वर्षों में एक बार मिट्टी छोड़ के आ गए, हो सकता दो तीन साल चार साल के बाद बाढ़ आए तो पुरानी हो गई, तो वो पुरानी जलोढ़ मृदा, ये नवीन। खादर मिट्टी कैसी होगी, उपजाऊ होगी, और बांगर मिट्टी कैसी होगी, अनुपजाऊ होगी। देखिए ये चारों क्षेत्रों के बारे में मैंने अध्ययन कर दिया, पुरानी मृदा भी बताया, नवीन मृदा भी बताया, उपजाऊ क्षेत्र भी बताया, अनुपजाऊ क्षेत्र भी बताया। मैप में भी इसको हमको देखना है। तो ये देखिएगा सिंधु नदी जो होती है, सिंधु एवं उनकी सहायक नदियां, उनके द्वारा जो अवसाद लाकर जमा कर दिए गए हैं। सिंधु आपको पता है, सिंधु नदी तंत्र में मैंने बताया था, जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र से लेकर उनकी सहायक नदियां भी नीचे तक आती हैं, हिमाचल उत्तराखंड तक, इन क्षेत्रों में अवसाद जमा करती है। वहीं सिक्किम में जैमू ग्लेशियर, इन क्षेत्रों से तीस्ता नदी है वह है अवसादों को जमा करती है। तो ये जो रेड से आपको दिख रहा है, लाल जो क्षेत्र दिख रहा है, ये भावर क्षेत्र है, अर्थात सिंधु से लेकर तीस्ता नदी का क्षेत्र 8 से 10 किलोमीटर में ये क्षेत्र बना हुआ है। इस क्षेत्र को हम भावर क्षेत्र के नाम से जानते हैं। उसके पश्चात हमारा तराई क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश बिहार नेपाल का जो दक्षिणी क्षेत्र है और उत्तर प्रदेश का उत्तरी वाला क्षेत्र है, ये जो ब्लू से बना है ये तराई क्षेत्र है। ये 10 से 20 किलोमीटर की पट्टी जो बनी हुई है ये हमारा तराई क्षेत्र है। उसके पश्चात बांगर क्षेत्र, बांगर क्षेत्र की बात करेंगे तो पंजाब से लेकर उत्तर प्रदेश तक का जो पूरा क्षेत्र है ये बांगर क्षेत्र कहलाता है, अनुपजाऊ होता है, उसमें मिट्टी जो होती है उसकी अनुपजाऊ होती है। खादर क्षेत्र की बात करेंगे, उत्तर प्रदेश, ये पंजाब से लेके उत्तर प्रदेश एवं बिहार तक का जो पूरा बेल्ट है, ये पूरा क्षेत्र जो है तीन राज्यों में ये खादर क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। और इस क्षेत्र की जो मिट्टी होती है, जलोढ़ मृदा, आपको पता है बहुत ही उपजाऊ मृदा होती है, जिसका पीएच मान 7 होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन, ये उदासीन होती है, न्यूट्रल होती है, सभी प्रकार की खेती होती है। यही कारण है कि ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करेंगे, हरित क्रांति जो भारत में जनक स्वामीनाथन, स्वामीनाथन जी थे, उन्होंने हरित क्रांति का जो प्रारंभ किया था वो इसी क्षेत्र में किया था, और पूरे भारत का सबसे उपजाऊ क्षेत्र है
यही कारण है कि जिस क्षेत्र की मृदा उपजाऊ होती है और जहां नदियां होती हैं उन क्षेत्रों में भी जनसंख्या अधिक पाई जाती है। तो आप देखेंगे सर्वाधिक जनसंख्या का जो निवास स्थान है उत्तर प्रदेश वाला क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में मैक्सिमम आपकी जो पॉपुलेशन निवास करती है, क्योंकि लोगों को पीने के लिए पानी और भोजन के लिए कृषि जो है बहुत ही आवश्यक है, इसलिए ऐसी जगहों पर ही जनसंख्या अधिक निवास करती है। देखिए ये चित्र तो डायग्राम में आपको दिख गया, उसके पश्चात नदियां क्या होती हैं, जब समुद्र में मिलती हैं तो उस समय पर ये डेल्टा का निर्माण करती हैं। जैसे आपने गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा देखा है, सुंदरबन का डेल्टा है देखा है, तो अंत में जब नदियां समुद्र में मिलने वाली होती हैं या अपना जल विसर्जित करती हैं उससे पूर्व यह डेल्टा का निर्माण करती हैं, तो इस क्षेत्र को हम डेल्टाई क्षेत्र कहते हैं। इन डेल्टाई क्षेत्रों में भी वनस्पतियां उगती हैं जिसे हम मैक्रो वनस्पति के नाम से जानते हैं। जब हमने आपको सुंदरबन डेल्टा बताया था तो मैक्रो वनस्पति के बारे में भी हमने विस्तार से बताया था क्या होती है। सुंदरबन डेल्टा में सुंदरी वनस्पति पाई जाती है जो सर्वाधिक खारे पानी में तीव्रता से बढ़ने वाला पौधा है और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा भी है। तो एक बार पुनः हम इसको रिवाइज कर लेते हैं, समरी के रूप में मैं आपको बता दे रहा हूं तो आप नोट कर सकते हैं। सबसे पहली चीज तो यह है उत्तर का विशाल मैदान या सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान प्रायद्वीपीय पठार एवं उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्र के बीच का क्षेत्र है, जो यदि हम विस्तार में इसकी बात करेंगे तो यदि क्षेत्रफल की बात करें तो लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर में यह विस्तृत है, और लंबाई की बात करेंगे तो यह पंजाब से लेकर यह आसाम सिक्किम तक राज्य तक यह लगभग 3200 किलोमीटर में विस्तारित है। इसको अध्ययन की दृष्टि से 5 भागों में बांटा जाता है, सबसे पहले भावर क्षेत्र, उसके बाद में तराई क्षेत्र, उसके बाद में बांगर क्षेत्र, उसके बाद में खादर क्षेत्र और अंत में डेल्टाई क्षेत्र। इन क्षेत्रों में बांटा गया है। अब यदि हम भावर क्षेत्र की बात करें तो सबसे पहले आपको पता है उत्तर भारत की जो नदियां होती हैं ये ऊंचाई में ग्लेशियर के पिघलने से होती हैं, अतः इनका प्रवाह काफी तीव्र होती है और ये नदियां सदा नीरा होती हैं, अर्थात इनमें वर्ष भर जल होता है। तो ये नदियां जब नीचे की ओर आती हैं, अभी तो इनका प्रवाह तेज है क्योंकि ये क्या कर रही है, नीचे उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित हो रही है, नीचे की ओर आ रही है, परंतु जब यह शिवालिक के गिरिपद क्षेत्र में पहुंचती हैं या शिवालिक के दक्षिण क्षेत्र में पहुंचती हैं तो अब यह नदी सीधी हो जाती है। सीधी होने के कारण यह अपने साथ में जो भी अवसाद बड़ी बड़ी चट्टानों को लेकर आती है उन चट्टानों को यह अपने साथ आगे नहीं ले आ पाती। अब ये चट्टान यहाँ पर इकट्ठी हो गई, जब चट्टान एकत्र हो जाती है ऊंचाई बढ़ती है तो नदियां इसमें विलुप्त हो जाती है, और विलुप्त होने के पश्चात ये नदियां इन क्षेत्रों में नीचे से प्रवाहित होती है विलुप्त होने के बाद, और ये नदियां फिर जहां उद्गमित होती, जहां ये प्रकट होती है उन क्षेत्रों में इन्हीं चट्टानों की बारीक मिट्टी को भी साथ में लेकर आती है, और इन क्षेत्रों में जो मिट्टी होती है उससे वह दलदल का निर्माण करती है। ये दलदली क्षेत्र कहलाता है, इस क्षेत्र को हम तराई क्षेत्र कहते हैं। भावर क्षेत्र एक अनुपजाऊ क्षेत्र है, इसमें कृषि नहीं होती, और इस क्षेत्र की यदि हम बात करेंगे 8 से 10 किलोमीटर की यह पट्टी है, और यह जो पट्टी आपसे 8-10 किलोमीटर में है ये आपका पूरा शिवालिक का दक्षिण वाला क्षेत्र है। उसके पश्चात हम बात करेंगे तराई क्षेत्र, तराई क्षेत्र अब उपजाऊ क्षेत्र हो गया है, मुख्य रूप से गन्ना जो हो गया आपका और धान हो गई इनकी खेती की जाती है, और इसमें वर्तमान में क्षेत्र को उपजाऊ बना दिया है, परंतु बीमारियां यहाँ पर बहुत फैलती हैं क्योंकि पानी का भराव है। बायोडायवर्सिटी यानी जैव विविधता की दृष्टि से बहुत ही संपन्न क्षेत्र है, इस क्षेत्रों में बहुत सारी अधिक वनस्पतियां भी पाई जाती हैं। यह क्षेत्र जो तराई क्षेत्र की यदि हम बात करेंगे तो 10 से 20 किलोमीटर की यह पट्टी है। तराई क्षेत्र जो उत्तर प्रदेश एवं बिहार का उत्तरी क्षेत्र है और नेपाल का दक्षिणी क्षेत्र बोल सकते हो आप, जो लुम्बिनी क्षेत्र मैंने जैसे आपको बताया नेपाल का तराई वाला क्षेत्र जो है। उसके पश्चात बात करेंगे बांगर क्षेत्र की, तो हमने आपको बताया कई वर्षों में एक बार नदियों के द्वारा बाढ़ के समय में अवसादों को जो दूर छोड़कर आया जाता है, तो जिस क्षेत्र का निर्माण होता है बाद में जब नदियां उतरती हैं अवसादों को वहीं छोड़कर आ जाती हैं, तो इस क्षेत्र को हम बांगर, बाहर छोड़ के आ गए अवसाद तो उसको हम बांगर क्षेत्र कहते हैं। चूंकि इनमें कंकड़ पत्थर की मात्रा बालू की मात्रा ज्यादा होती है अतः यह क्षेत्र अनुपजाऊ होता है। ये तो हो गया कई वर्षों में एक बार बांगर क्षेत्र। अब बोलते हैं ये भी उत्तर प्रदेश बिहार पंजाब और बांगर क्षेत्र की बात करेंगे तो पंजाब और उत्तर प्रदेश वाला क्षेत्र हो गया आपका। खादर क्षेत्र की यदि हम बात करेंगे, प्रतिवर्ष नदियों के द्वारा जिन अवसादों को बहाकर लाया जाता है और अपने तट पर या अपने घाट के किनारे पर एकत्र कर दिया जाता है, चूंकि प्रतिवर्ष ला रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, उस मिट्टी के ऊपर एक लेयर जमती जा रही है, तो ये मृदा कैसी है, नवीन है, और चूंकि नदियों के द्वारा बहाकर लाई जा रही है अर्थात मृदा का
स्वरूप क्या है? जलोर मिला, जिसको हम एलुवियल सॉइल के नाम से जानते हैं, जो जिसका पावर ऑफ हाइड्रोजन या पीएच मान 7 होता है। यह मृदा उदासीन होती है, अर्थात इस मृदा में सभी प्रकार की खेती होती है, काफी उपजाऊ मानी जाती है। अर्थात यह जो क्षेत्र है, यहाँ मिट्टी उपजाऊ पाई जाती है, तो यह क्षेत्र को हम नवीन जलोढ़क मृदा के नाम से जानते हैं। यह नवीन मृदा है और बानर मृदा पुरानी मृदा है, क्योंकि काफी पहले मिट्टी को छोड़कर आया गया है। तो ये क्षेत्र है, और बाद में समुद्र में मिलने से पूर्व नदियों के द्वारा डेल्टा का निर्माण किया जाता है। इन क्षेत्रों को हम डेल्टाई क्षेत्र कहते हैं। इन डेल्टाई क्षेत्रों में मैक्रो वनस्पति जो है, यह मैक्रो वनस्पति लगती है, और डेल्टा से सुंदरबन डेल्टा का मैंने एग्जाम्पल दिया। तो ये आपकी पूरी स्टोरी है, जो मैंने स्टार्टिंग से लेकर कहानी के रूप में आपको बताई है। इन क्षेत्रों का वर्गीकरण किया है डायग्राम के थ्रू, आपको मैंने आपको बताया है किन किन राज्यों में फैली हुई है, कितना विस्तारित है, कौन सी मिट्टी। आपके एग्जाम यदि प्री में बात करेंगे एमपीपीएससी में, तो आने वाले जो फिक्स क्वेश्चन है अभी तक जो वर्तमान में आए हैं, पहली चीज भावर क्षेत्र है, उपजाऊ है अनुपजाऊ है, ठीक है। दूसरा ये पूछा जाता है कि जो कई बार एग्जाम में आया है, पुरानी मृदा का उदाहरण है या पुरानी मृदा कहलाती है, तो आपको मैंने बताया बांगर मृदा, नवीन जलोढ़क मृदा या नवीन मृदा कहलाती है, तो आप बता देंगे खादर क्षेत्र या खादर मिट्टी जो कहलाती है, ये क्षेत्र आपकी क्या है? नवीन जलोढ़क मृदा है। तो ये पूरा मैंने आपको स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक बताया, एक दोबारा वीडियो को देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। यदि आपको इनमें कोई डाउट हो, चीजें समझ में ना आ रही है, तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। वो अगले वीडियो को इससे पहले मैं 5 या 10 मिनट में आपको इसके बारे में डिस्क्राइब कर दूंगा। यदि यह वीडियो मेरा आपको पसंद आया हो, तो प्लीज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आगे भी मैं इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत सारे महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर हम विस्तार से अध्ययन कर सके, उस पर चर्चा कर सके। थैंक यू वेरी मच।